दे दो भाई। कह रही है सिर्फ 2 लाख, मैं सिंगापुर में नहीं मान रही हूँ 2 लाख। मामा बोल रहे उसको 2-3 एक्स्ट्रा जूते भी फेरे। ओके आपका मैसेज पहुंचा दूंगी। मैं नहीं जाने दे रही, मम्मा नहीं मान रही। हेलो एवरीवन, सो वेलकम टू प्रोफेसर्स ग्रुप चैनल एंड वेलकम टू न्यू व्लॉग्स। अभी मैं जा रही हूँ यूनिवर्सिटी, तो आज हम लोगों ने फाइनली करना है ज़ैनब के साथ सेकंड वाला चैलेंज। मैंने आप सबके कमेंट्स पढ़े, बहुत ज़्यादा आप लोगों ने आइडियाज़ दिए, तो उनमें से ही कोई एक आज मैं करने वाली हूँ। तो अभी मैं फिलहाल यूनिवर्सिटी के लिए लेट हो रही हूँ, तो जल्दी से चलते हैं। आज मम्मा भी मुझे साथ छोड़ने जा रही हैं ड्राइवर अंकल के साथ। आप क्यों जा रही हैं मेरे साथ? अपना कुछ काम करना था तो इसलिए। अच्छा, मम्मा मेरे साथ अपनी शॉपिंग करती हूँ, रबिया को भी छोड़ के आती हूँ। ऐसा लग रहा है मम्मा मुझे छोड़ने जा रही है। चलो तो गाइस, फाइनली मैं यूनिवर्सिटी पहुँच गई हूँ। ये हमारी यूनिवर्सिटी में पता नहीं क्यों आज सुबह सुबह इतना इवेंट क्यों हो रहा है। तो गाइस इधर यहाँ पे फुल रश पड़ा हुआ है हमारी यूनिवर्सिटी में, पता नहीं क्यों यहाँ पे कोई इवेंट हो रहा है शायद। लेकिन यार मैं तो अपनी क्लासेस देनी है, पढ़ाई करनी है, अपनी क्लास दूंगी और मैं फिर डायरेक्ट घर जाना है, क्योंकि आज हमें बहुत काम है। तो मैं आज इवेंट अटेंड नहीं कर रही हूँ क्योंकि बहुत रश है यार यहाँ पे। सो गाइस फाइनली मैं क्लास लेकर फ्री हो गई, अब मैं जा रही हूँ घर। ठीक है, अब घर जाके देखते हैं कि ज़ैनब ने चैलेंज करना है कि नहीं करना, कौन सा करना है। मैंने एक सोचा हुआ, आप लोगों को घर जाके बताती हूँ। खैर आज हमारे यूनिवर्सिटी में एक इवेंट वगैरह हो रहा था, बट मुझे घर जल्दी निकलना था, इसलिए मैं आ गई हूँ। सो लेट्स गो। सो गाइस फाइनली आई एम होम। तो यार घर आते साथ ये फातिमा इधर बैठी हुई है, ऐसे लग रहा है घर का माहौल इतना चेंज हुआ पड़ा है। मम्मी किधर है, मैं आ गई है। इधर तो कोई है ही नहीं है। मम्मा किधर है? फातिमा मम्मा तो यहाँ कमरे में नहीं है, कहाँ ले गई हो तुम मेरी मम्मी को? मुझे लगता है कमरे में तो नहीं है। मम्मा किधर है? इधर ये लड़की बैठी है। ज़ैनब मेरी मम्मा किधर है? भला मुझे क्या पता हो, मुझे लगता है ऊपर गई है। तो यही मौका है अभी ज़ैनब से बात करने का चैलेंज की। तेरा नेक्स्ट चैलेंज आ चुका है, आर यू रेडी टू डू इट? कौन सा नेक्स्ट चैलेंज जो करना था भाई, भूल गई हो? मिस्ट्री बॉक्स। यस, क्या है नेक्स्ट चैलेंज? मैंने सोच लिया, आप लोग रेडी है सुनने के लिए? सुनने की मैंने बड़ा सोच समझ के सोचा है। सोच समझ के सोच को सोचो। तो मैंने सोचा है कि ज़ैनब तुम मम्मा से किसी भी तरह जो है ना वो 2 लाख लोगी, वो तुम पर है, तुमने कैसे लेना। अगर तुमने ले लिए तो तुम ये चैलेंज जीत जाओगी। पागल हो, चाहे बाद में वापस कर देना, बट अभी लेने हैं उनसे बगैर उनको बताए। मगर उनको तुम ये नहीं बताओगे कि तुमने चैलेंज के लिए ले रही हूँ, उनको बगैर बताए किसी भी वजह से लेने। अब ये वो तुम कभी भी मुझे 2 लाख नहीं देंगे। तो हार गई हो के बाय। रुक जाओ, रुक जाओ। हाँ मेरा ट्रिप गया था दुबई, सिंगापुर और मलेशिया। अच्छा ठीक है ज़ैनब, आपका ट्रिप गया था मानती हूँ, शोकिया क्यों मार रही हो? मुझे बताओ पैसा कैसे लेना है मम्मा से? शोकिया नहीं मार रही, तो मेरा ट्रिप गया था, मम्मा को नहीं पता। मैं बोलती हूँ मम्मा मेरे स्कूल का ट्रिप जा रहा है, मुझे जाने दे 2 लाख। मैं सबसे कहूंगी कि प्लीज प्लीज जाने दे। तो वो कहेंगी, वो मान जाएंगी, जब तो वो 2 लाख मुझे मिल जाएगा, मेरा चैलेंज कंप्लीट। चलो देखते हैं, चैलेंज एक्सेप्ट कर लिया तुमने। अगर तो तुमने मम्मा से ऐसे करके 2 लाख ले लिया तो फिर बाद में मम्मा को पैसे वापस कर दूंगी, बट फिर तुम जीत जाओगी। ओके या और ये तुम्हारा सेकंड लास्ट है, इसके बाद बस एक छोटा सा होगा, वो छोटा सा लेवल होगा। ठीक है तो स्टार्ट करें। चल ये तो मम्मा आ चुकी। मम्मा किधर थी? आप आवाजें आ गई थी तेरी, आवाजें सुन के आपको नहीं पता कि बच्ची यूनिवर्सिटी से आई है, भूख लगी, जाके खाना देना। आपको नहीं पता बच्ची यूनिवर्सिटी से खाना शाना देना, क्योंकि फिक्र करें गायब हुई हूँ सुबह सुबह। देखो अंडा बॉइल करके रखा है। हाँ स्लाइस जल गए थे। वाह जल, मम्मा आपने स्लाइस ही चला दी है यार। तो जल के फिर मैंने रखी दी है, मैंने कहा चल चिड़ियों को डाल दूंगी। गाइस देखो मम्मा इतने देर होगी मम्मा की शादी को, फिर भी मम्मा के स्लाइस जलते हैं, तो फिर हम जैसी बच्चियां तो फिर कुकिंग तो ना भूल ही जाए। मतलब करोगे तो जलेंगे ना, तुमने तो करनी ही नहीं। तो आपसे भी जल गए हम, मुझसे मैं फिर भी अच्छे कर लेती मम्मा। आप ही देख रही होगी, आप ही भाई को कहेगी कि देखो मेरी मम्मी से जल के मुझे जल गया। हाँ। यार आप ही तो अभी नई ने मेरे दुल्हन है उसका तो बनता है। चलो खैर मम्मा मुझे अच्छा सा खाना दो, खाना खाते हैं और फिर थोड़ा सा सोते। क्या खाना है? गोभी रोटी खा लेते हैं। गोभी रोटी, ओके डन। ए ज़ैनब इधर पढ़ाई में ध्यान दिया हुआ तूने, लेकिन चैलेंज नहीं करना क्या? करती मम्मा आ गई है नीचे, कब स्टार्ट करना? ओके पढ़ ले थोड़ा सा ज़ैनब। वैसे तुम्हारी राइटिंग मैं क्या ही कहूँ, बहुत बहुत ही अच्छी है। अपनी देखी है? मेरी बहुत प्यारी राइटिंग है, मेरी बहुत अच्छी है। यूनिवर्सिटी लेकिन आप आज जब मैं तुम्हारी क्लास में थी ना, मेरी बहुत अच्छी थी तब। अल्लाह ये क्या कर दिया मम्मा, आप गलती पे गलतियां, ऐसे लग रहा है मम्मा नई ने मेरी दूल्हा नहीं है। अंडा साथ ना बॉईल के, पता है क्या असल में? हाँ एक मिनट, अभी आपने मुझे बोला था कि अंडा बॉईल करके यही अगर मैं खा लेती मेरे पर गिरता है। फातिमा ने बॉईल किया था मम्मा, आपको लगा मैंने बॉईल किया? मैंने बॉईल नहीं किया फातिमा, लेकिन अगर मैं खा लेती फिर मैं अगर तोड़ती तोड़ती तो मैं खाने ही लगी थी, तोड़ के ऐसे मैंने बड़े मम्मा, लेकिन अंडे को पकड़ के पता लग जाता है। वैसे नहीं लगा मुझे, तोड़ के खाने लगी हूँ तो फटाफट। मम्मा छोटी बच्ची बन चुकी है, अगर बॉइल करके सिफात वाला रखा खाया नहीं, वो अपना खा गई और कच्चा रखा हुआ। मम्मा की नजर में इसे कहते हैं बॉइल्ड अंडा। आप लोग के सामने मम्मा ने भी बोला है कि मैं अंडा बॉइल किया तेरे लिए, ये भी जला दिए और ऊपर से ये भी खराब। वाह वाह
कभी कभी माओ से भी गलतियाँ हो जाती हैं। ऑफ कोर्स माँ भी कभी बहू थी। जैन चीजें खाना बंद कर दो क्योंकि अब टाइम आ गया। चीजें खा रही हूँ ताकि एनर्जी होगी मेरे अंदर। अब मैंने पता क्या करना है, तुम्हें मैं साथ लेके जाऊंगी और तुम परमिशन लेके मैं कहूंगी मम्मा इसने मुझे कहा है कि कैमरा व्लॉग बनाओ ताकि मम्मा मान जाए। यस आई एम सस्पिशियस बन गया हूं। चलो आ जाओ आ जाओ आ जाओ। मम्मा किधर है? ए फातिमा मम्मा किधर है? मेरे स्पेशल व्लॉग ऑन किया। मम्मा जैनब ने मुझसे व्लॉग ऑन करवाया है, आपसे कुछ कहना चाहती है। क्या? आज स्कूल का ट्रिप जा रहा है। तो इसने मुझे कहा है कि व्लॉग ऑन करो ताकि मम्मा मान जाए। स्कूल का ट्रिप जा रहा है सिंगापुर। मांग रहे थप्पड़ लगाऊं इसके मुंह के ऊपर मैं? मम्मा थप्पड़ लगाऊं इसके मुंह के ऊपर मैं? ट्रिप जा रहा है यहाँ पे जो आइलैंड। वो तो चला गया था बीकर आज के पूरे वर्ल्ड वाइड से जा रहा है। मम्मा ना जाने देना, मम्मा ना जाने देना। सिंगापुर कहाँ होता है? मम्मा सिंगापुर थाईलैंड यार। हाँ आउट ऑफ कंट्री। हाँ जी कभी भी नहीं बच्चे सोचना भी ना, सोचना भी ना देना। मैं यार मैं सब कुछ कर रही 2 लाख दे दो। एक मिनट 2 लाख ऐसे से 2 रुपए 2 लाख दे दो। कह रही है सिर्फ 2 लाख मैं सिंगापुर में नहीं मान रही हूँ 2 लाख। तेरी शक्ल अच्छी है। सिंगापुर इज वेरी एक्सपेंसिव। तो उन्होंने तो सिर्फ 2 लाख वेरी एक्सपेंसिव कंट्रीज है ना। हाँ समझ आ गई मुझे। इकरा ने कहा था कि सिंगापुर सबसे महंगा मुल्क है। अम्मा उन्होंने 2 लाख मांगे ट्रिप जा रहे को तो अपने पैसों मतलब 2 लाख मांगे 2 रुपए तो नहीं मांगे। मम्मा इसने मुझे कहा है स्पेशल राबिया व्लॉग बनाओ ताकि मम्मा मान जाए। आज तो व्लॉग की भी मैं नहीं कुछ देखूंगी, कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं, कोई कुछ नहीं। मनाओ मेरा ट्रिप जा रहा है। उसका ट्रिप अपने दौर में उसके ट्रिप जाते थे सोजो वाटर। मेरे 400 रुपए एक बार मेरा ट्रिप जा रहा था पता नहीं कहाँ। मैंने कहा 450 रुपया था उस टाइम। मैंने कहा मामा जी दे दे, मामा कहती 450 नहीं जाने दिया ना, जाना ही नहीं है। हाँ, और मेरा एक दफा गया था, मेरा तो 750 रुपीज सबमिट करवाया था सोलो वाटर गया था और तब मैं गई भी थी। छोड़ो मुझे पाकिस्तान में कहीं भी हो वहाँ पे जाना था, म्यूजियम था वहाँ आना था और मम्मा ने कभी नहीं जाने दिया। फोन कहती कुछ और कहती तो मैं कहती चलो दे दो। मानो नहीं नो मींस नो। चलो बात उठ जाओ उठ जाओ आज शाबाश अंदर आ जाओ। आपसे मैंने एक बात करनी है अंदर आ जाओ जल्दी से। मम्मा का तो मुझे दूर दूर से नामो निशान नहीं दिख रहा कि वो मानेंगी। रबे तू अपना कैमरा लेके जा दफा इजाजत तो मैंने नहीं देनी। मम्मा ने परमिशन नहीं देनी। जाना आज मेरे साथ तुमसे मैंने एक बात करनी है जल्दी से आ जाओ। यार मम्मा मैंने सिंगापुर जाना ही जाना है। उसने नहीं जाना। तू मुझे जाके दिखा फिर। अब जैनब आओ मैंने आपसे बात करनी है। कोई वजह नहीं आप बचे बचे आप भी तो मम्मा गई आप एक मिनट ये गलत बात है आप भी गई है गई नहीं है सिंगापुर गई है हनीमून पे गई है ये ट्रिप पे जा रही है। माई शादी हो गई है तुम्हारा हनीमून है तो सिंगापुर जा रहे हैं। चलो हाँ अकेले तो नहीं जाने दूंगी। अकेले कोई नहीं जाने देंगी गाइस। जैनब अंदर आओ मैं तुमसे एक बात करनी है। अब व्लॉग बंद होने लगा है। जैनब बहुत बुरा हुआ तेरे साथ अब क्या किया जाए यार। यार ये आप भी को बुलाए मनाए। देखो मैं तुम्हें चैलेंज अगर तुम हार गई तो तुम हार जाओगी पिछला वाला भी तुम्हारा वेस्ट है तो देख लो मैं तो खुश हो रही हूँ बल्कि मेरा जो गिफ्ट है वो बच जाएगा तो तुम पर है। यार नहीं रामा किसी भी तरह मम्मा से तो कुछ और तरीका अपना लो। मैं क्या करूं और आई नीड 2 लाख। व्हाई यू नीड 2 लाख? क्योंकि चैलेंज है वापस दे देंगे बाद में बट चलो फिर ऐसा करो हिरापी से बात कर लो। हाँ उससे बात करो क्या पता वो मान जाए वो मना सकती है। चलो यार अब हिरापी के पास चलते हैं। मेरा तो कैमरा साथ साथ रहेगा। मम्मा अब ये जैनब जो है ना वो हिरापी को मनाने जा रही है ताकि वो मान जाए। देख ले हरकत उसको मर्जी ले मैं नहीं मानूंगी। मम्मा फुल सर्क लौंडी बनी हुई है। जैनब तेरी तो लंका पार है। हिरापी जैनब आपके पास आई है उसको आपसे एक परमिशन चाहिए आपसे लाइक आपको वो अपना वकील लॉयर बनाना चाह रही है मम्मा के लिए। कब से परमिशन लेने की? यार मेरा ट्रिप जा रहा है सिंगापुर तो उसके लिए 2 लाख चाहिए। 2 लाख मम्मा से मांग रही और मम्मा मान नहीं रही है। आप मनाओ उनको फर्स्ट ऑफ ऑल। ट्रिप होता यहाँ पे जा रहा होता नथिया गली जा रहा होता चलो ज्यादा से ज्यादा जा रहा होता तो इस्लामाबाद जा रहा होता। एक तो जा रहा है स्विट्जरलैंड। स्विट्जरलैंड नहीं यार कंट्री सिंगापुर। सिंगापुर ठीक है। दूसरा ऊपर से 2 लाख मांग रहे हैं। वाह जैनब प्लीज मम्मा। और अभी तुम इतनी सियोर तुम्हें लगता है कि ऐसे तुम्हें अकेले जाने देंगे? सब दोस्त जा रही हैं तो
अरे फॉर रियल और जान के व्लॉग साथ लेके आई है ताकि मैं हाँ। ना बहुत अच्छा चली लेकिन एकदम मम्मा से आके वो तो कर सकती हो ना। नहीं पागल हो मैं खुद परमिशन नहीं दूंगी अभी जैनब आज आपसे आपसे मैंने बात करनी है आज एक गाइस आई लव दिस रेंज रोवर रख दो उसकी रखो रोवर चलो चल वापस आ जा कोई तेरी कुछ नहीं हुआ तेरा कुछ नहीं हो सका तू फ्लॉप है चल 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 मामा बोल उसको दो तीन एक्स्ट्रा जूते भी फेरे ओके आपका मैसेज पहुंचा दूंगी गाइस ज़ैनब तो ज़ैनब ये क्या तरीका है यार दरवाजा खोलने का तो पागल वागल हो क्या गिरोगी ऐसे अच्छा अच्छा बता चैलेंज एक्सेप्ट हुआ गाइस ज़ैनब खुशी से हार चुकी है इस टाइम पे और हमें हम मुझे मैं तो खुश हूँ मुझे तो कोई मसला नहीं ज़ैनब हार चुकी है बट ज़ैनब कैसा लग रहा है तुम्हें हार कर आई डोंट लाइक यू रामा अब क्या करोगी बेटा बच्चे क्या कर मैंने अब कर दिया चैलेंज ज़ैनब बेटा क्या किया जाएगा क्या आइडिया अब इसको क्या आइडिया आ गया मम्मा हीरापी इसकी बातों में आई नहीं और उसने आपको मना किया कि इसके लिए ना मानना उसने कहा कि नहीं जाना ये तो अच्छी बात है एक मिनट ये कर रही हो मम्मा का हाथ क्यों दबा रही हो मम्मा इसने आपका हाथ क्यों दबाया नहीं वैसे ही दबा रही है क्यों हाथ पीछे करो अंदर आओ वापस अंदर आओ इधर ना जरा इधर आ जा मैं तुमसे एक बात करनी है वापिस अंदर आओ मम्मा एक मिनट मम्मा मेरे से एक बात करनी है ज़ैनब खबरदार तुमने चीटिंग की मैंने देख लिया तुम मम्मा के हाथ दबा रही थी मैं समय पागल नहीं हूँ ठीक है चीटिंग की डिस्क्वालीफाई हो जाओगे तो बता रही हूँ झूठ बोल रही हूँ अब तुम चीटिंग मैं तुम्हें हम समझा रही हूँ अगर इस गेम का रूल है चीटिंग की हार जाओ लेकिन चीटिंग की तो डिस्क्वालीफाई पक्का निकाल दूंगी ये लोग भी मेरे साथ हैं ओके चल अब उठ चीटिंग नहीं अलाउ करूंगी मैं मम्मा जी की ज़ैनब फिर से आ गई है ये लो जी हीरापी भी आ गई हीरापी आप बात करो मम्मा वो बशिंदिया भी नहीं मान रही है मसला तो ये है सही बात है अम्मा करें कुछ क्या जाने मम्मा तो अपने दौर में आप नहीं जाती थी ट्रिप पे लेकिन मैं क्यों जाती थी मैं पाकिस्तान में ही जाती थी यूरोप जाती थी फातिमा भी मम्मा फातिमा डॉन भी कह रहे अब तो मान जाए ज़ैनब की प्लीज कोई समझ नहीं पा रहा प्लीज गाय पूरा एक साल दिलवाए ना चलो मम्मा नहीं मान रहे पैसे राजा मैंने नहीं देने मम्मा से पैसे नहीं भी जाने पैसों की है ही नहीं मैं वैसे नहीं जाने अकेली को मैं आइडिया क्या ठीक है 2 लाख पास रखो मेरे मम्मा आप कोई फैसला कर दे सोना भी है 2 लाख पे 3 जा सकते हैं 2 लाख पे 3 ही जा सकते पागल हो ज़ैनब मना लो 3 लोग जा सकते हैं काचू कूड़ा लेके जा रहे हैं अच्छा 1 मिनट लेके ट्रिप लेके जाएगा मामा के पैर दबाओ हाथ दबाओ अपने पूरे स्कूल के एक पॉकेट मनी खत्म दो लड़कियां अभी क्यों जा रही है वो इस बात पे ऑब्जेक्शन बड़ी बहन साथ अभी तो टर्की से होकर आए पैसे लगे मैं 2 मिनट के लिए अंदर आई और मम्मा मान गई है ये कैसे हो सकता है पॉसिबल मम्मा मान गई है ठीक है मैं दे दूंगी ले जाओ ये किसने मनाया है हीरापी ने के फातिमा ने इन दोनों ने कहा है कि ठीक है मम्मा जाने दे होता है कि बच्चे को शौक होता है तो जाने दे मैंने कहा क्या जा सिमरन जी ले अपनी जिंदगी जा सिमरन है? मैं सिर्फ 2 मिनट के लिए अंदर गई हूँ मान भी गई आप बता दूं ये सारा चैलेंज था ज़ैनब अपना चैलेंज जीत तू क्या कोई कहीं पे सिंगापुर नहीं जा रहा ज़ैनब तुम विनर हो जी जैसे पहले किया था मजा आया आपको तू और तेरे चैलेंज तू बैठ मैं जा रही हूं मम्मा जा क्यों रही है यार मम्मा को कोई दुख नहीं लगा मम्मा कह रही मैं घर छोड़ के जा रहा हूं मजा आया ना वैसे ज़ैनब ने मम्मा को बताया हुआ था क्या बताया हुआ था तुम्हें एक बात बताऊं हां तुम्हारी से मम्मा प्रैंक करके गई हैं मतलब नहीं क्या 1 मिनट चुप क्या सब मान जाए चैलेंज के पैसे 50-50 किसने मम्मा को प्रैंक का बताया नहीं ज़ैनब यू आर डिस्क्वालीफाइड क्या बताया कि तुम लोग को पहले ही पता था ये कह रही है ये लोग जान के ये
एक्सेप्ट कर लेना, जितने भी पैसे होंगे 50-50 मम्मा ने कहा अच्छा चल। ये लोग जान के कह रही है ताकि इन लोगों को मिस्ट्री बॉक्स नहीं मिल रहा। एक मिनट मम्मा, एक मिनट, आप ये एक्टिंग कर रही हैं, आपकी शक्ल देख के मैं बता सकती हूँ, आपको पहले ही पता था ना प्रैंक का? नहीं मम्मा, झूठ ना बोले मम्मा, मेरी कसम खाए। अच्छा मुझे नहीं पता था, मुझे तो एंड में इसने कहा मम्मा मान जाए मैं ना जीत रही हूँ, मैंने कहा चलो ठीक है जैनब मम्मा। और आप अभी एक्टिंग करके गई हैं, पहले बता देती मैं पहले ही मान जाती। आपने मेरे साथ दगाबाजी किया ना, ये यू आर डिस्क्वालिफाइड, अब तुम्हारी ये गेम यहीं पे खत्म होती है। मम्मा आपसे मैं नाराज हूँ, मैं रियल कह रही हूँ कि सही होता, मैंने नहीं मानना था, इसने मुझे कहा चैलेंज, मैं मान गई बस। मम्मा बस नाराज हूँ मैं आपसे, और जैनब तुम्हारे साथ कोई चैलेंज नहीं होगा, कट्टी बाय। नहीं, सारे कमेंट सेक्शन बताएंगे जैनब के साथ क्या किया, जैसे चीटिंग किया, और मैं इससे कभी बात नहीं करूंगी। मुझे एक और चांस मिलना चाहिए। नहीं मिलेगा। मेरे साथ बहुत खराबी हुई है, ये फन नहीं होता है, ये तुम मेरे साथ चालाकी कर रही हो। चुप, ये टेप लगा दो मुंह पे, दोनों के कर दो बस। ओहा, आप प्रैंकस्टर निकली है। गाइस दोनों हारी हैं, मैं जीती हूं, हाय जी विनर मैं हूं। थोड़ी सी टेप मम्मा के, मम्मा पागल है यार तुम, रहना मेरे बालों पे भी बाल टूट रहे, पागल हो तुम यार। गाइस थोड़ी थोड़ी टेप, सारी एस्ट्रोलॉजी मैम ने, आज एस्ट्रोलॉजी कैमरे के आगे टेप लगाओ बस, कैमरा बंद होना चाहिए। आज की विनर मैं, मम्मा कोई विनर नहीं, अल्लाह हाफिज़ विनर मैं। सो गाइज अब मैं इस लोग करती हूँ एंड, बहुत बुरा हुआ है मेरे साथ, जैनब ने बहुत बुराई की। आप लोग कमेंट सेक्शन में बताएं कि जैनब सर क्या किया जाए, इसको डिस्क्वालीफाई करूँ या फिर इसको एक और चांस दूँ, आप लोग बताएं क्या किया जाए। सो होप सो कि आप लोगों को ब्लॉग अच्छा लगा, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, ऑल्सो सब्सक्राइब माई चैनल। बाय बाय, अल्लाह हाफिज़।